नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तन मन धन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्वय आमला के बारे में। आपने जितने भी च्यवनप्राश ट्राई किए होंगे, ये उन सभी से बेस्ट है। दोस्तों, ये च्यवनप्राश हर मौसम में खाया जा सकता है और लोगों में ये कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है कि च्यवनप्राश का सेवन केवल सर्दियों के मौसम में ही अच्छा रहता है, गर्मियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको इस आयुर्वेदिक स्वय आंवला के बारे में पता नहीं है। इस दूध पापेश्वर स्वय आंवला को हर मौसम में खाया जा सकता है और यहाँ पर बताया भी गया है कि टोटल हेल्थ फॉर ऑल सीजन्स, यानी इसे हर सीजन में इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया है। दोस्तों, इसे बनाने में स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। दोस्तों, इसे बनाने में कौन कौन से आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है और ये किस तरह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव होता है, इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसके पैक के बारे में। ये 500 ग्राम का पैक है और यहाँ लिखा भी है ये 500 ग्राम का पैक है। ये 3 साल तक खराब नहीं होता, 3 साल तक की इसकी सेल्फ लाइफ है। इसका MRP है 530 रुपये। मार्केट में मौजूद अन्य च्यवनप्राश इससे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और 400 रुपये में तो आप 1 किलो का पैक भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको मिलता है 530 रुपये में, वो भी आधा किलो। इसका 1 किलो का पैक भी आता है और ये प्रोडक्ट आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर आसानी से मिलने वाला है। अगर ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ आप इसे घर बैठे डिस्काउंट के साथ मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इसे तैयार करने में प्रति 10 ग्राम में स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया गया है 1 mg। दोस्तों, पुरुषों की कमजोरी को दूर करने वाली, दमा और टीबी और फेफड़े के संक्रमण को ठीक करने वाली स्वर्ण भस्म को माना गया है। इसके अलावा इसमें रजत भस्म है। दोस्तों, रजत भस्म का काम होता है जिनको भी चक्कर आते हैं, कोई नेत्र रोग है या फिर प्यास अधिक लगती है, कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए ये अति उत्तम औषधि है। इसके अलावा इसे बनाने में अभ्रक भस्म का भी इस्तेमाल किया गया है और ये देखिए, ये लिस्ट भी आ गई है, इसे आप देख सकते हैं। अभ्रक भस्म दोस्तों इसमें 5 mg है और अभ्रक भस्म नसों की कमजोरी को दूर करने वाली, कफ रोगों में काफ़ी फायदेमंद है, पेट के रोग हो गए, वीर्यपात आदि में अत्यंत लाभकारी इसे माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस च्यवनप्राश में च्यवनप्राश अष्ट वर्ग है 10 mg। इसमें 8 प्रकार की औषधियाँ होती हैं, इसलिए इसे अष्ट वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, अष्टवर्ग बुढ़ापा दूर रखता है। ये मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही श्वसन तंत्र को व्यवस्थित रखती है। इसके 8ों अवयव शक्तिशाली हैं। इसके अलावा इसमें हमें मिलती है प्रवाल पिष्टी जो होती है 10 mg के लगभग। दोस्तों, प्रवाल पिष्टी कैल्शियम की कमी को दूर करती है। सूखी खांसी हो गई, कमजोरी, सर दर्द, जलन, एसिडिटी, गैस से अत्यंत लाभकारी है। ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को शांत करने वाली मानी गई है। इसके अलावा इसमें लोहा भस्म भी है, वो जो है 10 mg के बराबर। ये खून की कमी को दूर करती है और दुर्बलता को मिटाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें इस्तेमाल की गई है पूर्ण चंद्रोदय मकर ध्वज 14 mg के बराबर। दोस्तों, इस औषधि को रोग नाशिनी महा औषधि कहा गया है। इसके सेवन से मनुष्य की ताकत बहुत बढ़ जाती है। यह नपुंसकता, शीघ्र पतन में भी बहुत लाभप्रद है। किसी भी रोग में कमजोरी आ जाने पर मकर ध्वज का सेवन बहुत ही लाभकारी माना गया है, बहुत ही जल्दी कमजोरी को दूर करने वाला है। बालक हो या बूढ़े हो, स्त्री हो या जवान, सब इसके सेवन से लाभ उठा सकते हैं। ये दिव्य औषधि शरीर की झुर्रियों, बालों की सफेदी का नाश करने वाली है और आयु को बढ़ाने वाली इसे आयुर्वेद में माना गया है। तो इस तरह दोस्तों, यह आंवला स्वरस रोगों को फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश करता है, हृदय की दुर्बलता को नष्ट करने वाला है और खून में से जहर को निकाल कर वीर्य स्राव, स्वपन दोष, क्षय रोग आदि को दूर करके शरीर को बलिष्ठ और वीर्यवान बनाता है। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी इन सब में कम विश्वास करती है, एलोपैथिक दवाइयों पर ही ज़्यादा उन्हें विश्वास होता है और आजकल के तनावपूर्ण वातावरण में शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस धूप पापेश्वर स्वय आंवला का सेवन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसका फायदा ही फायदा है और एक साथ 7 प्रकार की दिव्य औषधियों का हमें साथ मिल जाता है जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और हमारे ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी अन्य दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।